नमस्कार नर नर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। दोनों ही टीम ने एक एक की सीरीज बराबर की है और ये मैच महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आज बताते हैं कि मैच का पहला दिन कैसा रहा। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पहला सेशन भारत के टीम के नाम रहा, उसमें दो विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के बारे में बात करते हैं तो रवि वॉर्नर ने 19 रन बनाया और उसके सलामी बल्लेबाज मैट रेंशो ने 44 रन और शॉन मार्श ने बनाया केवल 2 रन। उसके साथ पेटर हैंडकॉब ने 19 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। और इंडिया को थकाने वाला है कैप्टन स्मिथ। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजी को थकाया। उसने पहले दिन स्टंप के बाद 244 गेंद सामना करते हुए 117 पर नॉट आउट है और उसका साथ निभा रहे ग्लेन मैक्सवेल। मैच में अच्छी तरह से वापसी की है और उसने बनाए 147 बॉल पे 82 रन। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने 299 पर 4 विकेट खोए और उसके हाथ अभी भी 6 विकेट हाथ में है। दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों ने उमेश यादव ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, 2 विकेट। ईशांत शर्मा को कुछ भी विकेट हाथ नहीं लगा और रविचंद्र अश्विन को 1 विकेट, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट और मुरली विजय अपना बॉलिंग करते हुए कोई भी विकेट हासिल नहीं किया। तो अब कल देखना होगा कि भारत की रणनीति क्या होगी। क्रिकेट के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।